दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये पाएंगे कि छोटे जानवर जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ये सब बहुत छोटी सी छोटी जगहों से निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुदरत ने ऐसे ही बनाया है, फ्लेक्सिबल। लेकिन इंसान नहीं निकल पाते, और कुछ लोग निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह फंस जाते हैं और उनकी वीडियोस बन जाती हैं और सोशल मीडिया में फैला दी जाती हैं। तो आज हम लाए हैं ऐसी ही कुछ वीडियोस आपके लिए, उन लोगों की जो कि बुरी तरह फंस गए। इसमें कुछ वीडियो आपको हंसा सकती हैं और कुछ वीडियो आपको इमोशनल भी कर सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ट्रैश बिन। दोस्तों मोस्टली कचरे के डिब्बे में कौन मुंह डालता है? वो सिर्फ जानवर और कीड़े ही होते हैं जो कचरे के डिब्बे में मुंह डालकर खाना खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंसान को कचरे के डिब्बे में मुंह डालते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये एक गोल्फ खिलाड़ी है और इसकी बॉल डिब्बे के अंदर चली गई और उसे देखने के लिए इस इंसान ने अंदर मुंह डाला और वह फंस गया। साइड में देखने में पता चला कि बॉल तो बाहर ही पड़ी हुई है, लेकिन इसका मुंह तो अंदर जा चुका था। फिर क्या था, लोगों ने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसे डिब्बे से बाहर निकाला, वैसलीन को इसकी गर्दन में लगाकर इस इंसान को बाहर निकाला गया। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से उस बॉक्स से निकल पाया। टॉडलर स्विंग। दोस्तों टॉडलर स्विंग, जिसे हम इंडिया में झूला भी कहते हैं, बचपन में हम इसमें खूब झूला करते थे, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इसका साइज और बनावट सिर्फ छोटे बच्चों के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एडल्ट होते हैं जो ये सब नहीं मानते और झूलने लगते हैं झूले में। फिर बाद में इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये इंसान झूले में झूलने तो गया, लेकर वहीं पर फंस गया। मजे की बात तो यह है कि इस दिन इसकी शादी थी और इसने डिसाइड किया था कि वह अपनी पत्नी के साथ झूला झूलेगा, लेकिन खुद बुरी तरह से झूले में फंस गया और काफी देर तक फंसा रहा। शादी में आए इसके कुछ गेस्ट्स ने इसे वहाँ झूले से निकाला, तब इसने राहत की सांस ली और आने वाले सालों में इस इंसान को अपनी शादी जरूर याद रहेगी। ए वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन किस लिए होती है? कपड़े धोने के लिए, राइट? लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि वॉशिंग मशीन में कोई फंस गया? छोटे जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान। ऐसा ही कुछ हुआ 2016 में चाइना में, जहां एक इंसान वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हुए वहीं फंस गया और ये इतनी बुरी तरह से फंसा कि इसको निकालना मुश्किल हो गया था। बाद में इसको निकालने के लिए एक रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा और पूरी वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रिक कटर से सावधानी से काटकर इस इंसान को बाहर निकाला गया। ये बहुत भयानक और दर्दनाक था। ए प्लेग्राउंड। नॉर्मली प्लेग्राउंड बच्चों के लिए बनाया गया होता है और इसमें डिजाइन किए गए सारे इक्विपमेंट्स भी बच्चों के लिए ही होते हैं, किसी एडल्ट के लिए नहीं, और हम सभी ये बात जानते हैं। लेकिन कुछ पागल ऐसे होते हैं जो ये सब जानते हुए भी कुछ ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं, जैसे कि इस इंसान ने की। मार्टिज नाम का ये इंसान बच्चों के खेलने की जगह पर खेलते खेलते कुछ इस तरह से फंस गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वह अंदर गया कैसे। एनीवे, लेकिन ये इंसान को पिछले लोगों की तरह किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही उस जगह से बाहर आ गया। चेयर। दोस्तों जो भी चीजें बच्चों के लिए बनी होती हैं, तो वो चीजें एडल्ट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और उनका यूज करने पे एडल्ट मुसीबत में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस रेस्टोरेंट में, जहां एक लड़की पार्टी में गई और उसने डिसाइड किया कि वह इस बच्चों वाली चेयर में बैठेगी। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपनी तशरीफ उस चेयर पर रखी तो वह फंस गई, क्योंकि वहां चेयर बच्चों के हिसाब से बनाई हुई थी। फिर क्या था, उसके साथ वालों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और वह यहां वहां दौड़ने लगी। स्टाफ के द्वारा 45 मिनट की मेहनत के बाद इसको उस चेयर से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उस टीम ने पूरी चेयर को पहले रीअसेंबल किया और उस लड़की को सुरक्षित निकाला, और चेयर से निकलने के बाद
उस लड़की ने कसम खाई कि वह अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी। बॉय ऑन ट्री। दोस्तों, बिल्लियों का पेड़ के ऊपर चढ़कर फंस जाना वैसे तो नॉर्मली बात है और अमेरिका जैसे देशों में इनको कई बार रेस्क्यू करके निकाला जाता रहा है। ये घटना भी अमेरिका की ही है, जहां पर 911 पर एक महिला का कॉल आया और उसका बेटा एक 15 मीटर की ऊंची पेड़ पर फंस चुका था। उस लड़के को पेड़ों में चढ़ने का काफी शौक था और ये पहली बार था वहां फंस गया, लेकिन रेस्क्यू टीम के आने के बाद उस लड़के को उस पेड़ से नीचे उतार लिया गया। टीम के एक मेंबर का कहना था कि 15 साल की जॉब में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी बच्चे को इतनी ऊंचाई से रेस्क्यू कर रहे हैं, किसी बिल्ली को नहीं। टॉयलेट। एक महिला अपने घर में टॉयलेट साफ कर रही थी, उस वक्त उसका कुछ सामान टॉयलेट की शीट में गिर गया और उसने सोचा कि क्यों ना हाथ डाल के उसे निकाल लिया जाए, लेकिन सामान तो निकला नहीं और उस महिला का हाथ उसमें जरूर फंस गया, जो काफी अकवर्ड मूवमेंट था। फिर 911 को कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और टॉयलेट शीट को खोलकर बाहर ले जाके बहुत ही सावधानी से तोड़ा गया। लगभग 1 या 2 घंटे के बाद उस महिला का हाथ वहां से बाहर निकाला गया। फिर उस महिला ने राहत की सांस ली। वैसे ही ये दूसरी टॉयलेट की घटना चाइना की है, जहां टॉयलेट में बैठते वक्त इस इंसान की जेब से चाबी गिर गई। उसने सोचा फ्लश करने से पहले हाथ अंदर डालकर चाबी निकाल लिया जाए, लेकिन चाबी तो निकली नहीं बट उसका हाथ बुरी तरह से फंस गया, जो वह खुद नहीं निकाल सकता था। फिर रेस्क्यू टीम के आने के बाद उसके हाथ को टॉयलेट सीट से तोड़कर निकाला गया। इस ऑपरेशन में घंटों लग गए, लेकिन बाद में उसका हाथ तो सही सलामत बाहर निकल ही गया। ए विंडो। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लड़के होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने विंडो से जाते होंगे, लेकिन ये घटना पुर्तगाल की है, जहां एक इंसान सुपरमार्केट चोरी करने के लिए विंडो से घुस रहा था और वहीं फंस गया। ये विंडो इतनी छोटी थी और सकरी थी कि इसको पैंट उतार के जाना पड़ा, लेकिन इसको क्या पता था कि ये बिना पैंट के भी वहां फंस जाएगा और पुलिस से पकड़ा जाएगा। बाद में लोगों की शिकायत पर पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और 14 घंटे के रेस्क्यू के बाद उस चोर को वहां से निकाल लिया गया और पुलिस ने चोर को वहां से निकाल कर पुलिस ने अपने हाथों ले लिया और जेल ले जाया गया। ग्रेट, मतलब गटर के ऊपर लगी हुई जाली। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इत्तेफाक से हमारी चीजें जैसे चाबी, पर्स और मोबाइल फोन नीचे गिर जाते हैं और इन जालियों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इंसान का इसमें फंसना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इस चाइनीज ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया। ये 16 साल की लड़की पता नहीं किस तरह से उस जेल के ऊपर स्लिप हुई कि उसका पैर पूरी तरह से फंस गया, जिसके लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा और उन्होंने इस जाली को काट कर मात्र 10 मिनट में ही इस लड़की को वहां से निकाल दिया। कुछ हल्की खरोंच उस लड़की के पैरों में आ गई थी। इलेक्ट्रिक खंबा। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग वैसे तो बहुत एडवेंचरस होता है और दिन ब दिन इसके लिए लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि लैंड करते वक्त ये कहीं पर भी फंस सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस इंसान के साथ, जो अपने पैराशूट के साथ एक बिजली के खंभे पर फंस गया। अब सोच कर देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसको देखा तो पुलिस को कॉल कर दिया और उस एरिया की सारी लाइट को ऑफ कर दिया गया, जिससे वो सेफ रहे, और रेस्क्यू टीम को बुलाकर उस इंसान को सेफ्टी नीचे उतारा गया। वह पिछले 3 घंटे से वहां फंसा हुआ था। जैसे ही वह नीचे आया तो उसे सीधे हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसका चेकअप हुआ। ए मैन स्टक ऑन वॉल। दोस्तों, ये घटना ब्राजील के एक जेल की है, जहां एक कैदी ने जेल से भागने के लिए घंटों मेहनत करके दीवार पर एक होल किया, बट वो जैसे ही उस दीवार से भागने के लिए निकलने लगा तो वो वहां फंस गया। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उसको पता लग गया कि वह अब वहां से नहीं निकल पाएगा, तो उसने पुलिस की मदद मांगी और उसको दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। निकलने के बाद उसकी बॉडी पर काफी चोट लगी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसे लोग जो बुरी तरह से फंस गए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बिल्कुल मत दबाना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।